हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परी ब्यूटी पार्लर एंड सिलाई बुटीक। तो गाइस, आज की वीडियो में सीखेंगी साइड में डोरी और लूप्स लगाना। तो गाइस, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है जिससे हर एक स्टेप अच्छी सी समझ में आए। तो गाइस, सबसे पहले तो हम मेजरमेंट जानेंगे। तो ऊपर शोल्डर से टेप को रखेंगे और जो हमारा चेक खुली हुई है जिस पर हमारा हिप का निशान आएगा, तो गाइस 19.5 पर चेक खुली हुई है। और जो हमारा कमर का निशान है तो कमर का निशान 13 इंच पर लगा हुआ है, क्योंकि कमर और हिप के बीच में ही हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो गाइस, हमने हर पॉइंट पर लिख दिया है जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे समझने में। तो इसमें हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है, जितनी हमारी साइड फिटिंग हो उस तरह से निशान लगा लें। साइड फिटिंग से टेप को रखेंगे और 2 इंच अंदर एक निशान लगाएंगे, उसी निशान पर स्केल रख के स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो गाइस, ये लाइन हम हिप के निशान से मिलाएंगे पूरा, तो देख सकते हो गाइस। और इस तरह पल्ले को हम पकड़ लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से डबल फोल्ड मिलाएंगे। जो हमारा आर्मोल की सिलाई है तो आर्मोल की सिलाई से मिलाएंगे, और जो कमर का कट है उसको कमर के कट से मिलाएंगे, हिप का कट हिप के कट से मिलाएंगे दोनों साइड की, और अच्छे से हैंड से प्रेस करेंगे जिससे हमारे जो निशान लगे हुए हैं वो दोनों साइड आ जाएं। तो गाइस, देख सकते हो हमारी फिटिंग के निशान दोनों साइड आ गई हैं। इस तरह हम फिटिंग के निशान को डार्क कर लेंगे, जिस पर हम डोरी लूप्स लगाएंगे उसको भी डार्क कर लेंगे, पूरा कर लेंगे निशान को। अब हम कुर्ती के कलर का फैब्रिक लेंगे, तो इसकी चौड़ाई हम लगभग 2 इंच रखेंगे। तो गाइस, देख सकते हो हमारी चौड़ाई 2 इंच है पट्टी की, और इस तरह डबल फोल्ड करेंगे तो इसका डोरी बनाएंगे, डोरी को हम चौड़ा बनाएंगे। तो गाइस, इसकी चौड़ाई हम लगभग 1/2 इंच रखेंगे, क्योंकि इसमें हम लूप्स कट करेंगे। तो इस तरह 1/2 इंच चौड़ाई में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हम पट्टी के साइड लगभग 2 पॉइंट मार्जिन रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे। सुई में धागा फंसा लेंगे और सिलाई की साइड से इस तरह धागा को टक कर लेंगे। डोरी के अंदर सुई को कुछ इस तरह से डालेंगे और डोरी को पलट कर सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इसमें हम लूप्स कट करेंगे। अब हमें जो सलवार का फैब्रिक है उसमें हम डोरी बनाएंगे, तो इसका हम पतली डोरी बनाएंगे। तो गाइस, ये हमें लंबी डोरी चाहिए है, तो इस तरह से हम जोड़ लगा लेंगे पट्टी में, और पट्टी की चौड़ाई लगभग हम 1 इंच रखेंगे, और इस तरह पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि इसमें हम पतली डोरी बनाएंगे। तो गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें, और हमारी सारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। अब हमें 2 पॉइंट सिलाई के साइड मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हटा देना है। तो गाइस, 2 पॉइंट मार्जिन ज़रूर रखना है, क्योंकि 2 पॉइंट मार्जिन डोरी के अंदर जाएगा तभी हमारी डोरी गोल बनेगी। इस तरह सुई में धागा फंसाकर सिलाई के साइड से सुई को टक कर लेंगे और हल्का फैब्रिक कट कर देंगे तिरछे में, जिससे हमारा जो फैब्रिक है वो डोरी के अंदर आसानी से चला जाए। और इस तरह डोरी के अंदर सुई को फंसा लेंगे और डोरी को सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो गाइस, इस तरह डोरी को हम डबल कर लेंगे और इसकी हम लंबाई दिखाएंगे। तो देख सकती हो गाइस, डोरी को डबल करके हमारी लंबाई 36 इंच है, और ये एक साइड का डोरी है तो हमें डोरी लंबी ही चाहिए है। तो गाइस, डिजाइन हम सीधी साइड में बनाएंगे, तो इस तरह हमारा निशान सीधी साइड में दिखाई दे रहा है, इसको हम डार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब अच्छे से मिला लेंगे दोनों पल्लों को, पीछे वाली और आगे वाली पल्ले को, थोड़ा हैंड से प्रेस करेंगे जिससे हमारे पीछे वाले पल्ले में भी निशान लग जाएंगे
कुछ इस तरह से, और इसको हम डार्क कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड निशान लगाएंगे। तो गाइस इस साइड का निशान हमारा हल्का है, इसको हम डार्क करेंगे जिससे हमारी सीधी साइड में निशान आ जाएँ। तो निशान हमारे दिखाई दे रहे हैं सीधी साइड में, इसको हम डार्क कर लेंगे। अब हम पीछे वाले पल्ले में निशान को ट्रांसफ़र करेंगे कुछ इस तरह से। कमर वाले कट को अच्छे से कमर वाले कट को मिलाएंगे और हिप वाला कट दोनों पल्ले की कट को मिला लेंगे, और इस तरह फिंगर से प्रेस करेंगे जिससे हमारे पीछे वाले पल्ले में भी निशान आ जाएगा, और इसको हम डार्क कर लेंगे। तो गाइस हमारे निशान सीधी साइड में आ गई हैं डिजाइन के लिए। अब इसी निशान पर हम लूप्स लगाएंगे। तो जो हमने हाफ इंच चौड़ाई में पट्टी को बनाया है, इसको हम डेढ़ इंच लंबाई में कट कर लेंगे। तो इस तरह से पट्टी को हम बराबर में फोल्ड करते जाएंगे और फिर बाद में कट कर लेंगे। इससे हमारी पट्टी बराबर में कट होगी, क्योंकि हमें पट्टी बराबर में कट करनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी है। तो इस तरह से हमने सारी पट्टी को डेढ़ इंच लंबाई में कट कर लिया है। इस तरह हमें कुर्ती को सीधी साइड में बिछा लेना है। जो कमर वाला निशान है तो ऊपर से हम टेप को रखेंगे, हिप वाले निशान तक हम डिजाइन बनाएंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, हमने यहाँ नीचे से निशान लगा दिए हैं, हमें नीचे से निशान नहीं लगाने हैं, ऊपर से हमें निशान को लगाना है कुछ इस तरह से। एक एक इंच पर निशान लगा लेना है कुछ इस तरह से। इसी निशान पर हम लूप्स लगाएंगे। जो हमने डेढ़ इंच लंबी पट्टी कट की है, इसको हम कुछ इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, और इस तरह जो हमने लाइन बनाया है उसी लाइन के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस ध्यान रखना है, इस तरह लूप्स को बनाकर हम जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई लगेगी उस साइड से रखना है, और जो इसका लूप्स का जो मार्जिन आएगा उसको हम अंदर की साइड रखेंगे, और लूप्स की फोल्ड साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो ध्यान रखना है लूप्स अटैच करते समय अंदर की साइड लूप्स को ना रखें। तो इसी तरह से हमें पूरे निशान में लूप्स को अटैच कर लेना है। इस तरह लास्ट वाले लूप्स में अच्छे से सिलाई को लॉक करके धागा को कट कर लें, और जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी में मार्जिन है उसको हम कट कर लेंगे सिलाई से मिलाकर। अच्छे से कट करना है, नहीं तो हमारी कुर्ती कट जाए। अब हमें डिजाइन को कुछ इस तरह से पलट लेना है उल्टी साइड में, और जो हमारा निशान लगा हुआ है, सिलाई लगी हुई है, तो इस तरह से वहीं तक हमें पलटना है फैब्रिक को, और दो इंच ऊपर निशान लगा लेना है। तो गाइस यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई हम उतार की लगाएंगे, और इस तरह हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई हमें उल्टी साइड में लगाना है। अब हमें पल्ले को पलटकर सीधा कर लेना है। जो धागा निकले हों उसको फिनिशिंग से कट कर लें, और लूप्स को हम इस तरह फिटिंग वाली साइड की तरफ फोल्ड करेंगे, पलट लेंगे, और इस पर सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की। और इस तरह हमें धागा कट कर लेना है, अच्छे से कट करना है, और इसी तरह हमें दूसरी साइड में लूप्स को लगा लेना है। इस तरह हम कुर्ती को घुमा लेंगे। टेप को रखेंगे और एक एक इंच पर नीचे तक निशान लगा लेंगे। इसी निशान पर हम लूप्स बनाकर कुछ इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह पट्टी को डबल फोल्ड करके लगाएंगे। तो गाइस ध्यान रखना है, जो पट्टी का जो हमारा मार्जिन है उसको हम अंदर साइड रखेंगे, और जो लूप्स का फोल्ड साइड है उसको हम बाहर की साइड जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी तो उस साइड रखेंगे। लूप्स को लगाते समय ये छोटे छोटे टिप्स याद रखना है, क्योंकि नहीं तो उल्टी सीधी हमारी पट्टी अटैच हो जाए। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है लूप्स का उसको हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब पल्ले को हम पलट लेंगे उल्टी साइड में, और इस तरह सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की।
तो गाइस हमारी सिलाई लगी हुई है, हमें उसी के ऊपर सिलाई को लगाना है और 2 इंच आगे तक कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और सीधी साइड में पल्ली को पलट कर लूप्स को हम फिटिंग की साइड टर्न करेंगे और इस तरह फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस हमने एक पल्ले में लूप्स को अटैच कर लिया है, इसी तरह हम पीछे वाले पल्ले में लूप्स को अटैच कर लेंगे। जो धागा निकले हों उसको फिनिशिंग से कट कर लें और इसी तरह से हमने पीछे वाले पल्ले में भी लूप्स को अटैच कर लिया है। अब हम कुछ इस तरह दोनों पल्लों को पलट कर उल्टी साइड में बिछा लेंगे और इसमें साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो हमने साइड में फिटिंग की सिलाई को लगा लिया है। अब हम कुर्ती को पलट कर सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो गाइस हमारा जो लूप्स लगे हुए हैं कुर्ती में, तो आप देख सकते हो। अब हम लूप्स में डोरी फंसाने से पहले साइड की चेक बना लेंगे। तो गाइस हमने साइड की चेक को बना लिया है, जो हमारी लूप्स लगे हुए हैं अब हम इसमें डोरी फंसाएंगे। तो इस तरह डोरी को हम डबल कर लेंगे, ऊपर से डोरी को फंसाना शुरू करेंगे और इस तरह पेचकस की सहायता से हम डोरी को फंसा लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी नुकीली चीज़ को ले लेना है। और इस तरह डोरी को क्रॉस में करेंगे, एक साइड का डोरी नीचे रहेगा और एक साइड का डोरी उसी के ऊपर से क्रॉस होगा और इस तरह हम लूप्स के अंदर डोरी को फंसाएंगे क्रॉस में। फिर से डोरी को क्रॉस में करेंगे। तो गाइस ध्यान देना है, और इस तरह हमने पूरी डोरी को क्रॉस में करके फंसा लिया है। अब हम नीचे की साइड इसमें फुचके लगाएंगे। तो इस तरह हमने एक पीस ले लिया है और उसको हमने कुछ इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है और इस तरह कॉर्नर से टेप को रखकर गोलाई में 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे क्योंकि हमें सर्कल में फैब्रिक को कट करना है गोलाई में। इस तरह हमने एक सर्कल को कट कर लिया है, इसी के बराबर में हम सारे सर्कल को कट कर लेंगे। तो गाइस हम एक डोरी में 3 फुचके लगाएंगे, ग्रीन कलर का राउंड लेंगे और उसी के बीच में डोरी रख लेंगे और डबल फोल्ड कर लेंगे राउंड को और इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे, हाफ में सिलाई लगाएंगे और इस तरह फुचके को हम सीधा कर लेंगे। अब हम रेड कलर का सर्कल लेंगे, सीधी साइड में डोरी को बीच में रख लेंगे कुछ इस तरह से, उसके बाद में उल्टी साइड में सर्कल को डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह हाफ में सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाना है। ऊपर से फुचके को पलटकर नीचे की साइड टर्न करेंगे। तो गाइस हमने इस तरह दोनों डोरी में 3-3 फुचके को लगा लिया है। तो फाइनल लुक कुछ हमारा इस तरह से आया है। तो गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।